स्टैंडर्ड 11th में स्टेटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सेक्शन सी था उसका रिवीजन कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो सेक्शन डी है उसका हम रिवीजन करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो सेक्शन डी में हमें जो सम्स दिए गए उसी के साथ साथ आपको जो एक्सरसाइज जो दी गई 2.1, 2.2, 2.3 वो भी एक्सरसाइज के सम्स जो हैं उसके रिलेटेड वो सारे सम्स भी आपको आपके रिवीजन में करने हैं। तो अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन इन अ स्टेटिस्टिक्स स्टडी टू रिप्रेजेंट लार्ज डेटा इनटू द सिंपल शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर्स फॉर इजी कंपैरिजन बिटवीन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा टू सेव टाइम लेबर एंड मनी फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इजीली रिगार्डिंग द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा अंडर स्टडी। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा विद एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमरिक डेटा इज कॉल्ड द न्यूमरिकल क्लासिफिकेशन और क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डेटा आर कलेक्टेड प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेजेस ऑफ अ बुक ऑफ 50 पेजेस दैन 50 ऑब्जर्वेशन ऑन प्रिंटिंग मिस्टेक पर आर ऑब्टेन। स्टडिंग दिस अनग्रुप डेटा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द 10 पेजेस हैविंग 0 मिस्टेक, 18 पेजेस हैविंग 1 मिस्टेक, 10 pages having 2 mistakes and 12 pages may having a 2 printing mistakes and 12 pages having 2 printing mistakes. Thus the process of distributing data in this manner is called numerical classification which can be presented in tabular form of following. अब यहाँ पे हमें इस तरह से कि जो नंबरिक डेटा को हम क्लासिफाइड करते हैं, जो डेटा हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड द नंबरिक डेटा, और जिसको हम क्लासिफाई करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमरिकल डेटा। इसे हम यहाँ पे इस तरह से ग्राफ पेपर सॉरी टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मिस्टेक्स 0, 1, 2, 3 एंड नंबर ऑफ पेजेस इज 10, 18, 10 एंड 12 एंड टोटल 15। हियर नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेजेस इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, हिंस क्लासिफिकेशन मेंशन इज अबव वी कॉल न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन। द फ्रीक्वेंसी टेबल इज फॉर्म बाय न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। न्यूमरिकल वेरिएबल में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, देयरफॉर वी गेट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बाय द न्यूमरिक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। कि यहाँ पे जो भी डेटा हमने क्लासिफाई किया दैट इज कॉल्ड द न्यूमरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वान्टिटेटिव डेटा विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा बेस्ड ऑन क्वान्टिटेटिव डेटा और एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन। For example, selecting 50 flowers from a garden, the information on color of flower are obtained. It is observed from the data 12 flowers of a white color, 10 flowers are yellow, 11 flowers are red color, 12 flowers are pink color and 15 flowers are of blue color. This data can be presented in a table following tables white, yellow, red, pink, blue and total. And total is 12, 10, 11, 12 and 15. Here the color of flower is qualitative variable, therefore such a classification is called a qualitative variable. यहाँ पर जो quality के ऊपर से हम जो classification करते हैं that is called a qualitative classification. इसके बाद हमारा fourth question है, write a short note on cumulative frequency distribution. Sum of all the frequency up to the value of an observation or a class is called cumulative frequency distribution and its distribution is called cumulative frequency distribution. The sum of the frequency up to the specified value of the observation or specified upper boundary point is called less than type of cumulative frequency of that specified value, and distribution is called less than type of cumulative frequency distribution. And the sum of all the frequency of the specified value of the observation of lower boundary point of specified class and the value of class or succeeding to its class is more than type of cumulative frequency distribution, and this distribution is called the more than type of okay, मतलब कि जो भी हम frequency का total करते हैं up to a specified value it is called the cumulative frequency distribution. और उसके हमें यहाँ पे दो types दिए गए थे। Next question is discuss the point for constructing continuous frequency. When the variable of the data is continuous or range of the variable is large, continuous frequency distribution should be constructed. Generally the number of classes should be number of from 6 to 15. Under the special circumstances the number of classes may be less than 6 or more than 15. Considering the number of classes k and the range of data, our class length is decided using the formula following formula c is equal to r upon k.
The value of C is selected such that the CK is greater than or equal to R and C is positive integers. Generally, the class length of each class is kept equal, but under some circumstances, the range of the in the mind of number of classes of different length and constructive. Usually, the initial class should be begin with the observation multiple of class length and number of smaller than and close to lower observation of the data. Classes can be chosen either inclusive type of such as 0 to 14, 15 to 90, 20 to 25 or exclusive such as 10 to 15, 15 to 20. यहाँ पे हम किस तरह से क्लासेस बना सकते हैं उसके हमें गाइडेंस दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द गाइडलाइंस रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ टेबल. अप्रोप्रिएट टाइटल शुड बी गिवन. देर शुड बी अ क्लियर एंड सिंपल कैप्शन ऑफ द रो एंड कॉलम्स. इफ द फिगर्स आर टू लार्ज देन इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द 100,000 एंड लैक्स एंड करोड्स. द इंटर रिलेटेड information should be exchanged to each other in such a way that the analysis can be done in a simple way and the conclusion can be drawn easily. In order to distinguish between the main characteristics of the data in the table, it should be separated by a line. There should be a provision for indicating the total of primary and subsidiary characteristics. Source of data must be mentioned at the end of the table. Before preparing the final table, rough table is to be prepared and it is better to represent such as much as possible data in a single table. यहाँ पे हम टेबल बनाए तो हमें कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए वो हमें यहाँ पे बताया गया है. बात का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द यूजेस ऑफ टेबुलेशन टू रिप्रेजेंट द एक्सटेंटिव डेटा इन अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव मैनर्स. द टाइम मनी एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ डेटा अंडर द कंसिडरेशन इज सेव्ड. अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज रिमूव फ्रॉम डेटा. द टेबुलेशन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इज टू बी कंपेयर्ड आर प्लेस साइड बाय साइड. रो एंड कॉलम्स टोटल आर फाउंड इन द टेबल. देयरफॉर एनी एरर्स अकरिंग टू ओवरसाइट कैन बी डिटेक्टेड एंड इवेंचुअली रेक्टिफाइड इजीली. The analysis of the data becomes simple and convenient if they are presented in the data. कि अगर हम जो भी डेटा है सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर्स में उसे कन्वे करते हैं तो सारा मैसेज जो है वो हम इजीली शेयर कर सकते हैं और जब भी हम डेटा जो है वो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बाद का हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेबल्स. अब यहाँ पे हमें मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी दे दी है उसके ऊपर से यहाँ पे हमें ओरिजिनल क्लास फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करनी है. अब आपको पता ही होगा कि हम मिड वैल्यू के ऊपर से जो है वो हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट किस तरह से फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे लोअर लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला है मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ अपॉन टू. अब यहाँ पे मिड वैल्यू कितनी दी गई है फर्स्ट हमें 250. तो यहाँ पे हमने 250 माइनस यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो क्लास के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 100 का क्योंकि 350 माइनस 250 करेंगे तो कितना आएगा 100. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 100 अपॉन 2. 250 माइनस 100 अपॉन 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 50 इज इक्वल टू 200. सेम इट इज अपर लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला टू मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ अपॉन 2. दैट मीन्स कि 250 प्लस 100 अपॉन 2 मतलब 250 प्लस 50 दैट मीन्स 300. तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास हमारी क्या आएगी 200 टू 300. अब यहाँ पे सारी क्लासेस में आपको डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे हम जो भी क्लास बनेंगे उसका क्लास सेम डिफरेंस क्या आएगा सेम ही आएगा. दैट मीन्स 200 टू 300, 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700 एंड 700 टू 800. इस तरह से यहाँ पे हमारी क्लास बनेगी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आउट ऑफ द 40 persons वर्किंग इन द ऑफिस 60% आर फीमेल 40% आर मेल 50% मेल आर मैरिड वेर इज द रेशियो ऑफ मैरिड एंड अनमेरिड फीमेल्स आर 5:3. प्रेजेंट इट इन्फॉर्मेशन इन अ टेबल. तो यहाँ पे हमने इस तरह से टेबल बनाया कि यहाँ पे हमें कितने टेबल जो दिए गए. सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा टेबल शोइंग द पीपल्स एम्प्लॉयज ऑफ ऑफिस अकॉर्डिंग टू द सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सेक्स मेल एंड फीमेल मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड एंड लास्ट में टोटल. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है कि 40 पर्सन्स दैट मीन्स कि टोटल कितना होगा 40. उसमें से 60% फीमेल है मतलब कि फीमेल की कॉलम में 60% हम करेंगे तो कितना आएगा 24 एंड 40% क्या हुए मेल हुए. अब यहाँ पे मेल जो है वो 50% मेरिड है दैट मीन्स कि 16 के हम 50% करेंगे तो 8 मेरिड है 8 जो है वो अनमेरिड हुए. एंड फीमेल का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:3. अब आपको पता है कि 24 इंटू रेशियो जब दिया हो तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं इंटू 5 अपॉन
टोटल कितना होगा 8, तो यहाँ पे मैरिड कितनी हुई 15 एंड अनमैरिड कितनी हुई 9, एंड लास्ट में हमने मैरिड का टोटल किया 23, अनमैरिड का टोटल 17 एंड लास्ट में दोनों का टोटल 40। इस तरह से ये सम किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मंथली इनकम ऑफ 100 वर्कर्स इज गिवन बिलो ऑब्टेन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे दी है, यहाँ पे हमें लेस देन फ्रीक्वेंसी दी गई है और CF दिया हुआ है, उसके ऊपर से यहाँ पे हमें क्लास बनानी है और क्लास के ऊपर से यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहली हमारी क्लास यहाँ पे हमें दिया गया, इस तरह से 2400 2900, इस तरह से हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट हमारी क्लास क्या बनेगी, 2400 से कम, दैट मीन्स कि 5L का अगर हम डिफरेंस देखने जाए तो फर्स्ट क्लास बनेगी 1900 to 2400, फिर 2400 to 2900, 2900 to 3400, 3400 to 3900, 3900 to 4400, 4400 to 4900, 4900 to 5400, 5400 to 5900, 5900 and 60, 5900 to 6400. अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 1900 to 2400 में कुछ भी नहीं आएगा, जीरो। फिर सेकेंड क्लास में हम यहाँ पे 3 - 0 = 3, 12 - 3 = 9, 30 - 12 = 18, 55 - 30 = 25, 78 - 45 = 23, and 88 - 78 = 10, 95 - 88 = 7, एंड 10 - 100 - 95 = 5। इस तरह से यहाँ पे हमने हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड की। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन आर इज फॉलो, ऑब्टेन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपको क्लास किस तरह से दी गई है, 10 to 100, 20 to 100, 30 to 100। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास अगर इक्वल करेंगे तो किस तरह से आएगी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें CF दिया हुआ है, तो CF हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे, मतलब कि 200 - 180 = 20, 180 - 140 = 40, 140 - 90 = 50, 90 - 55 = 35, 55 - 30 = 25, 30 - 8 = 22, 8 - 2 = 6, 2 - 1 = 1, एंड 1 - 0 = 1। इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्टेन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सेम इट इज़ लास्ट सम की तरह हमें मिड वैल्यू के ऊपर से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हमें मिड वैल्यू, आपको पता ही कि लोअर लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ अपॉन 2। तो यहाँ पे क्लास लेंथ हमें दी गई है 5 / 2, दैट मीन्स 12.5 - 2.5 = 10, एंड अपर लिमिट हमें दी गई है मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ अपॉन 2। क्लास लेंथ हमें दी गई है 5/2, दैट मीन्स 2.5। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्लास कितनी है कि 10 to 15। अब आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपको अलग अलग मिड वैल्यू दिखे उसके बीच में 5-5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने क्लास किस तरह से बनाई, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50। इस तरह से यहाँ पे हमने जो है वो हमारी क्लास जो है वो प्रिपेयर की है। अब यहाँ पे इस तरह से हमने सम किया। उसके बाद हमारा यहाँ पे 13th सम हमें दिया हुआ है, देर आर 1000 बसेस यूज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अहमदाबाद सिटी, ऑफ द 350 आर BRTS बस एंड रिमेनिंग MTS बस, आउट ऑफ 400 एयर कंडीशन बस, 250 आर यूज एस BRTS, प्रेजेंटेड इन अ सुटेबल डायग्राम, सॉरी सुटेबल टेबल। अब यहाँ पे हमें इस तरह से टेबल हमने प्रिपेयर किया है कि टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पर्सन्स इन अहमदाबाद की जो बसेस जो हैं वो उस तरह से कितनी बसेस हैं। सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, BRTS एंड MTS, क्योंकि यहाँ पे दो बसेस दी गई हैं टोटल। फिर टाइप्स ऑफ बसेस में यहाँ पे आपको AC वाली दी गई है, आप देखिए ध्यान से रीड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि एयर कंडीशन बस, दैट मीन्स कि एक टाइप एयर कंडीशन का हुआ तो दूसरा कौन सा हुआ, नॉन AC का हुआ, एंड लास्ट में टोटल। अब यहाँ पे हमें टोटल कितनी बसेस चलती हैं, 100। अब उसमें से 350 जो है वो BRTS की, मतलब कि BRTS की टोटल कॉलम में कितना है 350, एंड बाकी के जो 650 है वो AMTS की। फिर आउट ऑफ द टोटल
400 एज कंडीशन बस, मतलब कि एसी की कॉलम का टोटल कितना आएगा 400, 250 यूज आर बीआरटीएस, मतलब कि 400 में से 250 बीआरटीएस की, तो बाकी की क्या हुई 150 एमटीएस की हुई, एंड प्रेजेंट इट इन अ सूटेबल डायग्राम। अब यहाँ पे इसे हम किस तरह से टोटल करेंगे, यहाँ पे 100 टोटल है, उसमें से 400 एसी है, तो बाकी की 600 क्या हुई नॉन एसी हुआ। अब टोटल यहाँ पे बीआरटीएस बस का 350 है, एंड यहाँ पे एसी वाली 250, तो बाकी की रिमेनिंग 100 क्या हुई नॉन एसी हुई। अब यहाँ पे नॉन एसी बस का टोटल 600, तो रिमेनिंग जो हुआ वो क्या होगा एमटीएस जो है वो होगी हमारे। इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो टेबल है वो पूरा फाइंड किया। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आउट ऑफ द 1500 स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज 900 वर बॉयज, ऑफ देम 250 वर इन साइंस स्ट्रीम, 250 गर्ल्स इन अ कॉमर्स स्ट्रीम, एंड प्रेजेंटेड इन अप्रोप्रिएट टेबल। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, खाली फैकल्टीज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो। अब उसके ऊपर से यहाँ पे हमने फैकल्टीज के ऊपर से प्रेजेंट किया, फैकल्टीज साइंस कॉमर्स एंड उसमें भी मेल फीमेल इन टोटल, तो यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए 1500, उसमें से 900 जो है वो बॉयज है, दैट मीन्स कि बॉयज की कॉलम मेल के कॉलम में कितना है 900, तो रिमेनिंग क्या हुआ 600 फीमेल्स हुई। अब 900 बॉयज में से 250 जो है वो साइंस में है, तो बाकी के रिमेनिंग 650 कहाँ पे हुए जो कॉमर्स में हुए, 250 गर्ल्स इन द कॉमर्स स्ट्रीम, सेम इट इज़ यहाँ पे, जो टोटल कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे 600, उसमें से 250 कॉमर्स में, तो रिमेनिंग 350 कहाँ पे होगी साइंस में होगी। अब ये हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, अब हम टोटल करते हैं 250 प्लस 350 इज इक्वल टू 600, 650 प्लस 250 इज इक्वल टू 900। इस तरह से यहाँ पे हमने ये टेबल फाइंड किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम इन स्टैटिस्टिकल स्टडी, डायग्राम रिप्रेजेंट द डेटा इन अट्रैक्टिव सिंपल एंड कंसाइज फॉर्म, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा एक्सप्रेस बाय अ डायग्राम आर रिकमेंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर टाइम्स, व्हेन टू और मोर सेट ऑफ डेटा आर प्रेजेंटेड बाय डायग्राम द सेम स्केल्स टू बी कंपैरेटिव स्टडीज दिस डेटा इज बिकम इजी, डायग्राम शेयर वर्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा सो वन कैन सी सेव टाइम स्टडीज फॉर द डेटा, द core characteristics of the data conveyed by the diagram are easily understood by the illiterate, less educated and even the children. By using diagram, industrialists and businessmen make effective advertisement of their products. Diagram are very useful for conveying these messages related to the social remotes effectively. Pictorial diagram are can easily understand represent of the language barrier. अब यहाँ पे हमें डायग्राम के रूल्स मतलब कि यूजेस दिखाई दिए गए थे। 16th question is write a short note of two-dimensional diagram. A diagram drawn by considering only one characteristics of the data is called one-dimensional diagram. There are a following four types of one-dimensional diagram: bar diagram, multiple bar diagram, simple bar diagram and percentage divided bar diagram. कि जो डायग्राम को हम वन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के करते हैं, that is called a one-dimensional diagram. Second question, next question is write a short note of two-dimensional diagram. One-dimensional diagram is used to represent single characteristics of data. In such a diagram, either height or breadth is taken into consideration, but when the volume of data is large, then order to represent it on a diagram, both breadth and length are taken into consideration. Thus, the total value is shown as an area in the diagram for which diagrams like square, rectangle, circle or pie diagram are included. There are the following types of two-dimensional diagram. First is circle diagram, second pie diagram and pictogram. कि जब हम कोई भी दो characteristics को ध्यान में रखने के बाद जो हम diagram draw करते हैं, that is called the two-dimensional diagram. और यहाँ पर हमें उसके types भी दिए गए हैं। बात का next question है, explain the pictogram with an illustration. A diagram in which the data are represented by the appropriate pictures are called pictogram. के जो data हम diagram pictures के through present करते हैं, that is called the pictogram. For example, if the data related to the yield of wheat are given, then it can be shown by the symbol of ears of wheat. The picture of ear of wheat are drawn proportion to the amount of given data. Pictogram is such a diagram that drawn a quick attention of the viewers. By pictogram, the data can be easily understood by illiterate people and less even by children.
Cryptogram has no barrier of language, hence data can be easily understood by people of any regions. कि यहाँ पे pictogram means कि हम pictures के through जो भी हम diagram represent करते हैं, कि जो भी data को हम diagram के through represent करते हैं वो अब pictogram के through easily कोई भी even less illiterate और छोटे बच्चे भी उसे समझ सकते हैं. उसके बाद का यहाँ पे ये जो next question दिया है वो आपको diagrams जो होते हैं उसका दिया, वो आप खुद कर सकते हो. और यहाँ पे हमने ये जो section दी था उसका revision कर लिया है. बट आपको यहाँ पे इसके जैसे जो भी सम्स हैं आपके एक्सरसाइज में 2.1 2.2 में वो आपको करने हैं. और ये जो रिवीजन है वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ रिवीजन जो है वो लिखना है. और आपको आपके सम्स की प्रैक्टिस भी करनी है. थैंक यू.